भी चल रहा है फेस्टिवल सीजन और सभी कार मैन्युफैक्चरर अपने अपने लाइनअप में कुछ ना कुछ डिस्काउंट जरूर दे रहे हैं। इसके पहले हमने बात किया था कि मारुति में कौन कौन सी गाड़ी में कितना डिस्काउंट मिल रहा है, उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी आई बटन में, वहां से देखना। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हुंडई की पूरी लाइनअप में आपको कौन सी कार में कितना डिस्काउंट मिल रहा है और जो नई अभी i20 5 तारीख को लॉन्च होने वाली है उसमें कितना आप डिस्काउंट एक्सपेक्ट कर सकते हो या उसमें कितना डिस्काउंट आप अपने शोरूम के मैनेजर से डिमांड कर सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिस्ट निकाल ली है कि भाई हुंडई में अभी जो फेस्टिवल सीजन है यानी कि दिवाली का जो फेस्टिवल ऑफर है वो क्या क्या रहने वाला है, तो पूरी लिस्ट है मेरे पास। स्टार्ट करते हैं वीडियो, अगर अच्छी लगे तो गाइस वीडियो को लाइक भी करना। पहले बात करते हैं हुंडई की सेंट्रो। हुंडई की सेंट्रो एरा जो BS6 मॉडल है उसमें आपको 15,000 रुपये का कैश डिस्काउंट है, साथ ही साथ में 15,000 रुपये का एक्सचेंज बोनस है और 5,000 रुपये का कॉरपोरेट डिस्काउंट है। काफ़ी अच्छा डिस्काउंट है, आपको तकरीबन 35,000 का टोटल डिस्काउंट यहाँ पे आप ले सकते हो। और सेंट्रो का जो मैग्ना स्पोर्ट्स और आस्टा वेरिएंट है इसमें आपको 25,000 रुपये का कैश डिस्काउंट मिल रहा है, साथ ही साथ में 15,000 रुपये का एक्सचेंज बोनस, 5,000 रुपये का कॉरपोरेट डिस्काउंट, मतलब टोटल डिस्काउंट यहाँ पे जो हो गया वो है 45,000 का, जो कि काफ़ी अच्छा डिस्काउंट है। 45,000 का डिस्काउंट आप फेस्टिवल सीजन में यानी कि दिवाली ऑफर के मदद से आप ले सकते हो। अपने डीलर के पास जाओ, ये डिस्काउंट आप डिमांड करो। थोड़ा बहुत जो डिस्काउंट होगा ना गाइज वो वेरी करेगा। कॉरपोरेट डिस्काउंट क्या होता है, सभी को नहीं मिलता। एक्सचेंज बोनस तभी आपको मिलेगा जब आप एक्सचेंज कराओगे। तो ये ऑफर्स आपके सिनेरियो या आपके कंडीशन के ऊपर भी डिपेंड करेंगे। डीलर के पास जब आप जाओ वहां से आप एग्जैक्ट जो ऑफर आपको मिलने वाला है वो आप पूछ सकते हो। बाकी ये ऑफर आप उनको बता सकते हो कि भैया ये ऑफर में मिलना चाहिए, तो आप ये ऑफर तो एटलीस्ट दो ही। हुंडई की ग्रैंड i10 BS6 में डिस्काउंट मिल रहा है 40,000 रुपये का कैश डिस्काउंट, 15,000 रुपये का एक्सचेंज बोनस और 5,000 रुपये का कॉरपोरेट डिस्काउंट, मतलब इसमें जो डिस्काउंट हुआ वो हुआ 60,000 रुपये का। बहुत अच्छा डिस्काउंट है। हुंडई ग्रैंड i10 नियोस BS6 उसमें डिस्काउंट है 10,000 रुपये का कैश डिस्काउंट, 10,000 रुपये का एक्सचेंज बोनस, 5,000 रुपये का कॉरपोरेट डिस्काउंट, तो इसमें टोटल डिस्काउंट हुआ 25,000 रुपये का। ग्रैंड i10 जो है उसमें 60,000 रुपये का डिस्काउंट और जो नियोस है उसमें 25,000 रुपये का टोटल डिस्काउंट है। समझ रहे हो? इस i20 के जो सेकंड जनरेशन है उसमें आपको बहुत डिस्काउंट अभी देखने को मिलेगा क्योंकि थर्ड जनरेशन ऑब्वियस सी बात है आ चुका है। क्या पता आप ये वीडियो 5 नवंबर के बाद देख रहे हो, तब तक तो आ ही गया होगा। तो इसमें अच्छा डिस्काउंट है, अगर आपको सेकंड जनरेशन मिल जाती है किसी भी शोरूम पे अवेलेबल हो जाती है तो वहां पे तो आप बहुत अच्छा डिस्काउंट ले सकते हो। मुझे लगता है कि अगर आप i20 सेकंड जनरेशन कंसिडर कर रहे हो तब स्पोर्ट्स वेरियंट बिल्कुल आप इसका एक बार देखो, और सही लगे और अच्छी डील मिल रही हो ना सेकंड जनरेशन के स्पोर्ट्स वेरिएंट में बिल्कुल आप उसको लॉक कर लो क्योंकि गाड़ी बहुत अच्छी है, पुरानी वाली है। इसमें डिस्काउंट है 50,000 रुपये का कैश डिस्काउंट, 20,000 रुपये का एक्सचेंज बोनस, 5,000 रुपये का कॉरपोरेट डिस्काउंट, टोटल डिस्काउंट हुआ 75,000 का। गाइस ये मिनिमम डिस्काउंट मुझे ऐसा लगता है, अगर आप डीलर के पास जाते हो और सेकंड जनरेशन i20 में डिस्काउंट मांगते हो तो इससे भी ज़्यादा डिस्काउंट हो सकता है जो कि डीलर के हैंड पे होता है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है थर्ड जनरेशन आएगी ना, सेकंड जनरेशन में अच्छा डिस्काउंट देना ही पड़ेगा उनको अगर स्टॉक क्लियर करना है तो, अगर स्टॉक अवेलेबल है तभी मिल पाएगा गाइस, ये भी आपको बताऊँ। और में भी डिस्काउंट है 10,000 रुपये का कैश डिस्काउंट, 15,000 रुपये का एक्सचेंज बोनस, 5,000 रुपये का कॉरपोरेट डिस्काउंट, ये भी ठीक ठाक डिस्काउंट है, 30,000 रुपये का टोटल डिस्काउंट है। वरना वेन्यू क्रेटा टक्सन कोना इनमें अभी कोई भी डिस्काउंट का जो ऑफर है वो समझ नहीं आ रहा है, बट गाइज मुझे ऐसा लगता है कि जो कॉरपोरेट वाला डिस्काउंट है ना 5,000 रुपये का वो तो आप ले ही सकते हो। और जो इलांट्रा है उसमें भी अच्छा डिस्काउंट, 70,000 रुपये का कैश डिस्काउंट है पेट्रोल मैनुअल में, 30,000 रुपये का कैश डिस्काउंट है पेट्रोल ऑटोमेटिक में और एडिशनल 30,000 रुपये का एक्सचेंज बोनस है। तो ये है इलांट्रा में, पूरा आप देख सकते हो कितना हुआ, थोड़ा सा ऑटोमेटिक और मैनुअल पे वेरी कर रहा है, जैसे 70,000 रुपये है कैश मैनुअल में और 30,000 रुपये, तो मतलब आप बोल सकते हो कि 1,00,000 से ले करके 60,000 तक आपको इसमें डिस्काउंट मिल सकता है। अभी बात करें i20 थर्ड जनरेशन में आप कितना डिस्काउंट ले सकते हो। देखो न्यू जनरेशन है, न्यू गाड़ी रहेगी, बुकिंग रहेगी इनके पास, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा डिलीवरी में, बट यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कंज्यूमर ऑफर तो आप ले ही सकते हो। और कुछ ना कुछ फेस्टिवल है तो कुछ ना कुछ जो शोरूम के हैंड पे या आउटलेट के हैंड पे जो भी डिस्काउंट हो सकता है, बेस्ट डील हो सकती है, वो आप ले सकते हो अगर आप अच्छे से बार्गिन करते हो तो। हालांकि मुझे नहीं लगता कि बहुत अच्छा आपको डिस्काउंट देखने को मिलेगा i20 थर्ड जनरेशन में, क्योंकि बुकिंग काफ़ी अच्छी है जहां तक मैंने पता लगाया है अपने नियरेस्ट डीलर के पास, तो उनके पास अच्छी खासी बुकिंग आ चुकी है। तो ऑब्वियस बात है जब बुकिंग आती है तो वो डिस्काउंट्स जो हैं कम देते हैं, डिस्काउंट को थोड़ा सा अवॉइड ही करते हैं। तो यही है गाइज यहाँ पे कंप्लीट हुंडई लाइनअप का डिस्काउंट ऑफर, दिवाली ऑफर। वीडियो सही लगा वीडियो
वीडियो को लाइक करो। नेक्स्ट बताओ कमेंट बॉक्स में कि कौन सी ब्रांड को हम कवर करें, कौन सी ब्रांड की लाइनअप को कवर करें डिस्काउंट के लिए। वीडियो सही लगा वीडियो को लाइक करो, चैनल को भी सब्सक्राइब करो। और हाँ, 5 तारीख को आपको शाम तक या 6 तारीख की सुबह आपको i20 की 3rd जनरेशन का रिव्यू मिल जाएगा, तो आप चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, सी यू सून।